दोस्तों हमारे भारत में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से हैं, यानी कि जो ज्यादा अमीर नहीं है, नॉर्मल पैसा कमाते हैं और इसीलिए उन लोगों को इनकम टैक्स भरने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है, राइट। लेकिन 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 आज मैं आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आपकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि आपको टैक्स भरना पड़े, फिर भी आपको इनकम टैक्स भरना चाहिए। जी हाँ, उसके लिए आपको एक रुपया भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आप जीरो रिटर्न भर सकते हैं। जीरो रिटर्न मतलब कि जीरो रुपए इनकम टैक्स भर सकते हैं। लेकिन अब आप ये कहोगे कि यार डीएलएस भाई, फिर क्या मतलब जीरो रुपए भरने से क्या मतलब बनेगा? जी हाँ, तो रुको, जरा सबर करो, यही बताने के लिए तो मैंने ये वीडियो बनाया। दरअसल दोस्तों, आप जीरो रिटर्न भरते हो ना, तो उसके आपको कई बेनिफिट मिलते हैं, कई सारे फायदे मिलते हैं। अगर आपकी सैलरी बहुत कम है या आपके कोई दुकान है, कोई धंधा है, काम है, रोजगार है और उससे आपकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि वो टैक्सेबल हो, अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तो भी आपको ITR जीरो रिटर्न भरना चाहिए। इसके कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये बेनिफिट यानी कि फायदे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो सरकार ने हाल ही में नया नियम लागू किया ना, उसके मुताबिक अभी साल 2021 चल रहा, इस दरमियान जो टैक्स स्लैब है ना, उसके मुताबिक अगर आपकी सालाना आय 2.5-3 लाख रुपए है तब तक तो आपको कोई इनकम टैक्स जमा नहीं कराना। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तब आपको 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। वही 7.5 लाख तक की आय वालों को 10%, इसी तरह से 10 लाख जो सालाना कमाते हैं उनको 15% टैक्स भरना पड़ता है। 12.5 लाख कमाने वालों को 20% टैक्स भरना पड़ता है। 15 लाख कमाने वालों को 25% टैक्स और 15 लाख से ऊपर कमाने वालों को 30% सीधा टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है ना, सरकार के नियमों के मुताबिक जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 में लागू हुए हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5-3 लाख रुपए से भी कम है, ठीक है ना, तो आप जीरो रिटर्न भर सकते हैं। रिटर्न भरने के लिए मतलब कोई लापता अंगड़ नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं यार इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरते होंगे वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, आपको अपने नजदीकी CA जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बाजार में बहुत सारे इसी काम के लिए होते हैं, तो CA के पास जाना है। सालाना रिटर्न जीरो रिटर्न भरने के लिए 500-600 रुपए उनकी नॉर्मल फीस होती है, ठीक है ना, और आपका एक साल का इनकम टैक्स रिटर्न जीरो रिटर्न के रूप में भर देगा वो। अब इसके फायदे क्या क्या होंगे तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला तो आपको लोन लेने की योग्यता तय हो जाती है। अगर आप इन द फ्यूचर भविष्य में कभी भी किसी भी बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते ना, तो आपके ITR रिटर्न के मुताबिक आपको लोन आसानी से मिल जाता है। कोई भी बैंक आपको जल्दी लोन दे देगा अगर आपका पिछला 3-4 साल का रिटर्न भरा हुआ, तो चाहे होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। नंबर दो आता है टैक्स रिफंड के लिए। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आप टर्म डिपोजिट जैसी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स भी बचा सकते हैं। डिविडेंड इनकम पर भी टैक्स बचाया जा सकता है। ITR रिफंड के जरिए आप टैक्स को क्लेम कर सकते हैं। अगर कुल इनकम कई स्रोतों की कमाई से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो कटा हुआ TDS आप दोबारा क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सरकारी योजनाओं का फायदा भी आपको टैक्स रिफंड के रूप में मिलता है। एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आपकी इनकम 3-4 लाख रुपए तक है तब आप नॉर्मली जो 2-5% है ना वो टैक्स भर सकते हैं, ठीक है ना, आपके खर्चे वगैरह निकालने के बाद। इससे आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, तीसरा नंबर, आप कहीं पर भी पता इनकम प्रूफ के लिए अगर वैलिड डॉक्यूमेंट देना चाहते तो ITR रिटर्न बहुत ही वैध दस्तावेज है, यूं मानिए। चौथा आता है घाटे को क्लेम कर सकते हैं। एक टैक्स पेयर के लिए किसी भी घाटे को क्लेम करने के लिए एक तय तारीख के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है। ये घाटा कैपिटल गेंस, बिजनेस या प्रोफेशन के रूप में हो सकता है। जो व्यक्ति संबंधित असेसमेंट ईयर में ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स के नियम उन्हीं लोगों को कैपिटल गेंस के खिलाफ घाटे की कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत भी देते हैं। अगर आपको धंधे में घाटा वगैरह भी आ जाता है तो भी अगर आप ITR भर रहे हैं तो आपको वहां पर भी फायदा मिलता है। नंबर पांचवा फायदा जो है वो है वीजा प्रोसेसिंग के लिए भी आपके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर आप कहीं विदेश जा रहे हैं दोस्तों, तो ज्यादातर देश जो है ना वो ITR की डिमांड करते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि व्यक्ति टैक्स कंप्लायंट सिटीजन है, यानी कि आप भारत के नागरिक हैं और आप भारत सरकार को टैक्स भी पे करते हैं। ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाता है ITR फाइल जो है वो, है ना। और इससे अगर आप कहीं पर भी विदेश जाते हो, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, सिंगापुर वगैरह, तो कहीं पर भी जाओगे ना तो वीजा आपको आसानी से मिल जाएगा इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, है ना। तो ये दोस्तों जीरो रिटर्न भरने के और इनकम टैक्स भरने के कई सारे बेनिफिट्स हैं जो एक भारतीय नागरिक को लेना चाहिए। उम्मीद है ये काम की इन्फॉर्मेशन आपको जानने मिली होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप और किस टॉपिक पर DLS न्यूज पर वीडियो देखना चाहते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।